सफाई कर रहा हूँ। अरे इधर आओ, बेल बज रही है। क्या? इधर आओ, देखो बेल बज रही है। बेल किधर है? बेल? अरे बेल नहीं, तो बेल बज रही है, दरगेट के ऊपर जाके देखो। पेट में बोल भी नहीं है? पेट में तो, अरे पेट में नहीं, पेट पे जाके देखो, बेल बज रही है। कौन आया है जाके देखो। अच्छा दरवाजे पे देखना है? हाँ दरवाजे पे देखना है, जाओ। हाँ। गेट में जंग लग गया। कोई बात नहीं, ठीक कराएंगे। अभी जाके देखो, कोशिश करो जाके। कुंडी खुली नहीं रही। खुल जाएगी। हमारी मालकिन की आप सहेली हैं? हाँ, उनकी फ्रेंड फ्रेंड बैंड बैंड हाँ बैंड किधर है? बैंड नहीं बाबा, फ्रेंड हूँ फ्रेंड। कहाँ बैंड तो किधर है बैंड? अरे उनकी बचपन की सहेली हूँ। हाँ ऐसा बोलो ना इंग्लिश में। हाँ सहेली हो आप? हाँ उनसे मिलने आई हूँ। हाँ अभी मैं पूछ के आता हूँ। मालकिन मालकिन वो आई है आपके बचपन की वो बैंड? अरे कौन सी बैंड? कोई बैंड नहीं है मेरी। कौन आया है? अरे वो बोलते तो है इंग्लिश में, बोलते ना बैंड। बैंड नहीं, फ्रेंड होगी फ्रेंड। हाँ वही फ्रेंड। जाओ उसे अंदर लेके आओ। सही पकड़े। आइए। चश्मा आप ही का है? हाँ ले रही है। खरीदा था या कहीं पाया था? क्या बात है, बेकार है एकदम। मोड़ तोड़, क्या बात है यार, एकदम अच्छी लग रही है। और बता क्या हाल है? घूमी एकदम टिप टॉप। ये तो बहुत बड़ी है, छोटन तो छोटा सा। अरे पहले छोटी थी अब बड़ी हो गई ना। हाँ जाओ अपना काम करो। ठीक है मेरा काम करो। और बता छोटन कैसी है? बढ़िया, तू कैसी? बस ठीक हूँ। और कहाँ कहाँ घूम के आई? अरे मैं तो बताऊँ क्या तेरे को, बॉम्बे कलकत्ता अहमदाबाद। अरे वाह, तेरे पति तो तेरे को बहुत घुमा। बहुत अच्छे है मेरे पति, बहुत अच्छे है। गली घर में पड़ी रहती हूँ सारे दिन भर, और कोई काम ही नहीं है मेरे तो। और बता अरे ये कहाँ से लाई? बड़े अरे अरे ये गोल्ड का है क्या? हाँ दो गोल्ड का है। अरे अरे यार गजब ही सुंदर है एकदम, ऐसा लग रहा है मेरे पति लाए थे मेरी यूनिवर्सिटी। अरे वाह क्या कहने। और पता भाई तेरे तो ठाट वाट ही निराले हैं, तो एकदम ऐसी हो गई, बिल्कुल ही बदल गई। क्या कहने तेरे तो जवाब ही नहीं है क्या, बिल्कुल स्टाइलिश लग रही है एकदम। और तेरे तो बता तेरे क्या हाल चाल है? चल रहे हाल चाल ठीक है। क्यों ऐसे क्यों बोल रही है? पड़े रहो घर का काम करते रहो, और कोई काम क्यों? और नहीं तो क्या, नहीं जाती क्या घूमने उमने? नहीं नहीं मैं घूमने नहीं जाती, बस जब बोलो तो बस चलो बाबा सोनागिरी जी आरती ले जाते और खाने ले जाते। पति नहीं लेके जाते गए? सारे दिन भर पूजा पाठ में लगे रहते, पूजा पाठ से फुर्सत मिले तब लेके जाए ना मुझे। पूजा पाठ क्या करूं, समझ में ही नहीं आता है। 10-15 दिन अखबार देके नहीं जाए। मैं क्यों मना करूं, इनके नौकर होंगे वो मना करेंगे। अरे इनके नौकर मैं तेरे को बोल रही हूँ, समझ में नहीं आता है। मैं क्या इनका नौकर हूँ क्या? अरे उनका नौकर नहीं है, मेहमानों की आवागत करनी चाहिए, मेरी फ्रेंड है ना बचपन की, इसलिए कई काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए जाके मना कर देना अच्छा है ना। ये कहाँ जा रही है? ये शिमला घूमने जा रही है, इसके पति शिमला ले जा रहे हैं उसको। शिमला? अच्छा साइकिल पे? अरे फ्लाइट पे? हाँ
ये बहुत टाइट लगती है। अच्छा बहुत टाइट लगती है। अच्छा तो थोड़ा खाया पिया कल है ना, खाती को बुला के लेके आना, गेट को सही करवाना। हाँ कल खाती को लाना। हाँ मालपुरा का। मालपुरा का। अच्छा अच्छा रखा है रे। हाँ। वो आई है। कौन आई है? गरिमा बैंड। गरिमा बैंड? हाँ। बैंड की क्या जरूरत पड़ गई अभी? बैंड कहाँ से आ गया? वो ही बता रही थी। कौन? वो कह रही थी बचपन की बैंड हूँ गरिमा। अरे बाबा बैंड नहीं फ्रेंड होगी मेरी विदेश वाली। अच्छा वो फॉरेन से आई दिखती है। जाओ जाओ जल्दी से लेके उसे अंदर। हाँ? जल्दी जाओ जल्दी जाओ। फॉरेन आई है अभी? फॉरेन आई है नहीं फॉरेन से आई है। फॉरेन से आई हो? हाँ देखा है सब। देखा क्या देखा है? फॉरेन दिखाने आई थी क्या? मैं फ्लाइट से जाऊंगी।
एक्चुअली मुझे लगा कि यार मुझे तुमसे मिलने आना चाहिए, इसलिए मैं आ गई। तुम मेरे को जलाने आई थी। अरे मैं क्या जलाऊंगी तुम्हें, तुम तो ऑलरेडी जली हुई हो। जली एक महीने तक वो दूर ना दे। एक महीने के लिए जा रही है क्या? हाँ ठीक है। रामू काका, ओ रामू काका, ये भी सुनता ही नहीं है, पता नहीं कहाँ क्या हुआ मालकिन। अरे सुन तो लिया कर, कितनी बार आवाज देती हूँ सुनाई नहीं देता है। तो उसका भगाना है? अरे नहीं रे बाबा, भगाना नहीं है, इसके जो दूध वाला आता है ना। अच्छा, उसको मारना है? क्या है, उसको मना करना है कि एक महीने का दूध नहीं लाए। हम क्यों मना करें, हम क्या इनके नौकर हैं? अरे कोई बात नहीं ना, क्या गिर जाएगा, तेरे पैर छोटे हो जाएंगे क्या, मना चले जाएगा तो। मालकिन एक बात बताओ, तुमने सारे गाँव वालों का ठेका ले रखा है? अरे गाँव वालों का नहीं, मेरी फ्रेंड है, समझा कर। आज ही आई है, कल वो आएंगे, वो आएंगे। अरे सुन तो सही, बोले ही जाता फटन 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 फटन, सुन तो रहा था थोड़ा सा। बिल्कुल सुनता ही नहीं है, एक मिनट में चुप नहीं रहता, सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ। तो सुन, उसको जाके बोलना कि है ना कल से दूध नहीं लाए, फ्रेंड आई है, समझा कर, थोड़ा सा तो समझा कर। ठीक है, बोल दूंगा। अच्छा ठीक है ना, ठीक है जाओ। पूजा पाठ, पूजा पाठ कभी ध्यान ही नहीं देते घर पे, घर वालों का भी तो ध्यान देना चाहिए। तो देखो मेरी सहेली कहाँ कहाँ घूमने गई है, फॉरेन जाके आई है। फॉरेन जाके आई है? अरे जाने दो, मतलब मेरी भी तो इच्छा होती है रामू काका, मुझे भी तो लेके जाए, मुझे तो लेके ही नहीं जाते, यहाँ घर में बैठा देते, खुद तो मंदिर में जाके बैठ जाते और मुझे घर के काम के लिए छोड़ जाते हैं। गलती नहीं है, सेठ जी को तो मंदिर से ही फुर्सत नहीं मिलती, जो घर का काम क्या करेंगे। नहीं खुल रही बाड़ा, कैसे गेट है, ये तो वैसे भी गुस्से में बहुत सुंदर लगती है, महारानी लगती है, महारानी पूरी। क्यों भाग्यवान, क्या हो गया? मना ही नहीं आना मुझे ऐसी छुपड़ी छुपड़ी बातें करके। क्या करें तो कुछ ना लेना ना कुछ देना, बस यहीं पड़े रहना। जब मैं देखूं आज इतना गुस्सा कैसे है, तेर त्रास कैसे है, सेठानी कभी गुस्सा ही नहीं होती। मुझे भी लेके चलो ना फॉरेन, मेरी सहेली गई है, मेरी फ्रेंड। अरे सेठानी अपन भी चलेंगे, क्यों नाराज होती हो, अपन भी चलेंगे। कहाँ चलेंगे? समीर सिकर जी चलेंगे, हम वंदना करेंगे। समीर सिकर जी? हाँ समीर सिकर जी, जहाँ बाघ पत्थरों का वो है डूंगर, उस जगह ले जाके मेरे घर का नाम फोड़ना है तो वहाँ जाऊंगी। जब पहले चलेंगे वहाँ पे लेके चलोगे, सिकर जी लेके चलेंगे। और कोई जगह नहीं मिली क्या जो सिकर जी लेके जा रहे हो? चलो कोई बात नहीं, सिकर जी को छोड़ो तो किनार जी चलते हैं बंदो। अरे बाप रे, वहाँ तो ऐसी सीढ़ियाँ हैं, पैर ही दुखे मारे तो बस की कौन है। अरे वहाँ पाँव दबाने वाले मिलते हैं? नहीं भाई मैं तो नहीं जाऊँ वहाँ पे, इतनी दूर भी कोई जाने की जगह है क्या जो वहाँ लेके जाओगे सिकर वहाँ गिरनार? मैं तो नहीं जाऊँ, मेरे तो पैर दुखते हैं, छटते छटते पैरों में ही दर्द हो जाएगा। नहीं चल कोई बात नहीं, अपन तो महावीर जी चले आते हैं, तू इसी लायक है। इसी लायक? हाँ इतनी महावीर जी चलते हैं, इतनी सी जगह और क्या, नहीं जाना मुझे। अरे गिरनार जी नहीं जाना, समय सिकर नहीं जाना, महावीर जी नहीं जाना। अरे जाना कहाँ है? मेरी सहेली आई थी ना तो उसने मुझे मुझे यूँ बोला था कि है ना एक बार तो सिकर जी चली जाना और फिर वहाँ से है ना उनको वादा कर लेना कि घूमते हुए ना फिर मेरे को शॉपिंग करा देना, कलकत्ता ले जाएंगे सिकर जी साथ में, कलकत्ता ले जाएंगे, हावड़ा वहाँ पे भी हावड़ा बीच है वो दिखा के ले आएंगे अच्छी अच्छी। हाँ मैं सेठ जी को ये बोलती हूँ चुपचाप जाके, है ना वो सेठ जी मेरे को वहाँ लेके जाए। अजी सुनते हो? हाँ बोलो भाग्यवान। चले अपन समय सिकर जी चल चलेंगे, लेकिन एक बात सुनो मेरी। हाँ मेरे को वहाँ ले जाके आप, है ना वापस आते समय पहले वादा करो, वादा करो सेठ जी। कुछ तो दाल में काला है सेठ जी, दाल में काला नहीं पूरी दाल ही काली है। सही बता रहा हूँ क्या? हाँ सेठ जी, हाँ सुनो मुझे वहाँ लेके चलो। कहाँ? सिकर जी चलने को तैयार हूँ, पर वादा करो आप मेरे को वापस आते समय मैं जो कहूँगी वो करोगे।
बोलो क्या करना है? वहाँ से अपन आते समय कलकत्ता घुमाएंगे मेरे को। हाँ ये बात है, कलकत्ता से मुझे सुंदर सुंदर साड़ी, कान के गले का, और अभी हावड़ा भी है, बहुत बड़ा, बहुत दिखना तुम्हें। हाँ दिखाएंगे, लेकिन पहले वंदना करेंगे सब मैं शिखर जी। हाँ हाँ, वंदना करने के बाद वापस आते समय फिर मेरे को दिखा के लाना, फिर अच्छे। चलो तुम ऐसा करो, कपड़े पैक करो। अच्छा, बच्चे के और अपने दोनों के कपड़े पैक कर लो। हाँ। और मैं जाता हूँ मंदिर, फिर मंदिर मैं तो पूजा करने जाऊंगा। अरे फिर मंदिर, 24 घंटे इस मंदिर में ऐसा रखा क्या है? मैं भी तो सोचूं, ये मंदिर मेरे सेठ जी मंदिर ही मंदिर है ना, पूजा सेठ जी पूजा करते हैं ना, तो मैं भी पूजा करना चाहती हूँ। मालकिन को आपके मुंह से पूजा शब्द सुनाना पहली दफा, इसकी वजह से हंसी आ गई। सुनो तो सुनो। सुनाओ। गुलाब का फूल, गुलाब चंद जी है क्या? हैं? केकड़ी का, केकड़ी। और वो दिलाने? केवड़े का, केवड़ा, केवड़ा नहीं। मोगरे का, मोगरा भी। और एक हार श्रृंगार का जरूर लाना, जरूर से जरूर। वो जाके चंपा का लेके आना। चंपा है क्या कोई? वो भी अजमेर गई। चमेली, चमेली, सभी चमेली वाली उधर ले। अच्छा मार्के, ठीक है ना, अच्छी तरह से जाना जब तक मैं ना तैयारी कर। लेकिन मार्के वो आपके बाग है ना, वो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो क्या हुआ ये रहा, 5 किलोमीटर दूर अभी चले जाएगा फटाफट, जल्दी जल्दी बगता हुआ जा, जल्दी से जाके ले आना। अच्छा कुछ ऑटो वेटो के पैसे नहीं दोगे? रिक्शा वाला कुछ ऑटो से भी बिना नहीं, ऑटो के पैसे लगाएगा, पैदल पैदल ही चले जाना फूल तोड़ने के लिए। मैं भी चलूंगा। अरे नहीं बच्चे नहीं जाते होंगे। अरे कौन जिद्दी लड़का है। अच्छा ऐसा कर, इधर अपनी माँ से पूछ ले अगर तेरी माँ नहीं देगी। हाँ बेटा, क्या मैं रामू काका के साथ आगे जा सकता हूँ? नहीं बेटा, वहाँ बहुत कांटे हैं, तेरे को कांटे चुभ जाएंगे, वहाँ पे बहुत जहरीले जानवर रहते हैं, कोई जानवर खा जाएगा। नहीं मेरे लाल, मैं तेरे को नहीं भेजूंगी, तू नहीं जाएगा। नहीं मैं तो जाऊँगा। मैंने कहा ना नहीं जाएगा, जाऊँगा। सुना ही नहीं देता, बिल्कुल भी नहीं सुनता है, बहुत ही जिद्दी हो गया है। चल बात नहीं करती मैं तुझसे। अब माँ मनाती है अपने लाल को। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा अच्छा, वहाँ पे बहुत कांटे हैं। हाँ। वहाँ पे जहरीले जानवर है, ध्यान रखना इसका। कुछ मेजा मेरा एक ही लाल है,
ये आपका एक लाल है, हम क्या किसी के काले पीले, हम भी तो किसी के लाल से उसकी देख रेख करना और है ना धीरे धीरे संभल के लेके जाना। ठीक है चलो। अरे रुको रुको। अरे चलो हम चले। अरे रुको रामू काका। नहीं नहीं वो तो हमें ले जाना या रिक्शा कर लेना बाहर से, पैदल लेके मत जाना। नहीं ऑटो कर लेना। हाँ ऑटो कर लूंगा। चलो आ जाओ। तुम्हें पता है बाहुरा है ना अमृत लगाया फूल फूल सारी कुछ भी नहीं बचा। ओहो इधर देखो ये फूल अभी सो रहा था। ओहो कितनी सुंदर सुंदर फूल है। ओहो वो देखो हार श्रृंगार का फूल देखो। अरे वो हंसता भी है। अरे रामू काका तो कितने पागल है, मेरे पास तो इतने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। रामू काका वहाँ पता नहीं काम बन गए, चलो मैं उनकी मदद कर देता हूँ। रामू काका क्यों बिगड़ा रे।
मेरे तो सेठ जी भी नहीं सुनते, मैं वापस चलता हूँ। Namo Varyanta, Namo Varyanta, Namo Varyanta.